अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज वीडियो का टाइटल है कि हम आज बात करेंगे जीए के में स्कॉलरशिप के बारे में। तो यार मैं खुद जीए के ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास खुद स्कॉलरशिप थी, मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है। उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट आप समझ लें, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीआई के में और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो हम ले सकते हैं, हमने किस तरह लेनी है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमने उसमें किस तरह अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जीआई के में दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो दो तरह की कैटेगरी में मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपने एडमिशन के वक्त आपने अप्लाई करनी होती हैं, और कुछ स्कॉलरशिप्स वो होती हैं जो आपको ऑन कैंपस एडमिशन के बाद दी जाती हैं। तो मैं हर स्कॉलरशिप को बताऊंगा कि इसमें आपने कब अप्लाई करना है और आपने किस तरह लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में। तो मेरिट स्कॉलरशिप है, ये वही स्कॉलरशिप है जो मैंने हासिल की थी। ये मैंने किस तरह ली थी अब उसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं ये बता दूं कि यार ये मेरिट स्कॉलरशिप है, यानी आपका एंट्री टेस्ट होगा, आपके एफएससी के मार्क्स एंटर होंगे एओ लेवल के, अगर एओ लेवल दिया तो आपके एओ लेवल के मार्क्स एंटर होंगे। उसके बाद जो मेरिट बनेगा उस मेरिट लिस्ट में जो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री आएंगे उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो ये तीन थी, और अब इन्होंने तादाद इसकी बढ़ा के इसकी 20 कर दी है, ठीक है। तो मैं आपको मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया बता देता हूँ। इनका जो एंट्री टेस्ट होता है वो 70% होता है, ठीक है, और बाकी एफएससी होती है 20% और 10% होता है मैट्रिक के मार्क्स, ठीक है। इस तरह इनका एओ लेवल का भी यही क्राइटेरिया है, एओ लेवल भी इनका 20% होता है, ए लेवल 20% और ओ लेवल 10% होता है, ठीक है। तो ये इस स्कॉलरशिप को आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है, एक्सप्लिसिटली अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट एडमिशन फॉर्म फिल करना है और आपने टेस्ट दे के आना है। टेस्ट में अगर आपके अच्छे नंबर आए, आपका मेरिट आ गया, तो ये खुद ब खुद आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। इसके लिए आपको कहीं और अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास केपीके का डोमिसाइल होना चाहिए और आपकी फैमिली इनकम लेस देन 6 लाख होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 50,000 से कम अगर आपकी इनकम है तो ये फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए आज एलिजिबल हैं, और ये 20 स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ठीक है। और लेकिन आपने अगर ये स्कॉलरशिप हासिल करनी है तो आपने एडमिशन के साथ जब आपने फॉर्म फिल करना है तो साथ ही आपने इसका भी फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये आपको बाद में, अगर आपने फॉर्म में ये नहीं फिल किया इसका, तो ये फिर आपको बाद में नहीं मिलेगी। आपने ये एडमिशन के फॉर्म फिल करते वक्त ही इसका भी फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है, हम बात करते हैं फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में। केपीके डोमिसाइल इसके लिए भी जरूरी है, अगर आप केपीके में रहते हैं तो अभी ये आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है। ये 6 बच्चों को दी जाएगी, लेकिन इसमें यह है कि ये आपने अप्लाई कर, ये आपको दी जाएगी एडमिशन लेने के बाद। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे, एडमिशन के वक्त इसके लिए आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो मेन स्कॉलरशिप आ जाती है वो आ जाती है जीए के एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। तो ये नीडी जीए के स्टूडेंट्स को दी जाती है और इनकी तादाद 30 होती है, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली सेकंड ईयर में दी जाती है, और इसके लिए सबसे पहले आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है, आपकी डिज़ायर देखी जाती है, आपका CGPA देखा जाता है, इसमें सारा कुछ देखा जाता है, फिर आपको ये दी जाती है। तो ये नॉर्मली सेकंड ईयर में दी जाती है, इसके लिए आपको अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सेकंड ईयर में दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए आपको एलिजिबल होने के लिए आपको बलोचिस्तान का डोमिसाइल होना जरूरी है। डोमिसाइल का मतलब यह है कि आपको उसका शहरी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये 4 लोगों को दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एहसान ट्रस्ट कर्ज हसना, नीट बेस है ये, ठीक है, और ये 20 स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ठीक है। इस ट्रस्ट का या लोन का भी मैं आपको तरीकेकार बता देता हूँ। तो यार ये लोन का ये सीन होता है कि आपको वो 4 साल की डिग्री दे देते हैं, ठीक है, यानी कोई फीस नहीं लेते आगे से आपको, यानी फ्री दे देते हैं, लेकिन आपने जो भी इनकी फीस होती है वो आपने डिग्री करने के बाद इनको पे करनी होती है। तो वो तकरीबन इनका ये क्राइटेरिया होता है कि आपको डिग्री दे देंगे, ये 4 साल की आपसे फीस नहीं लेंगे, लेकिन डिग्री के 1 साल बाद आपसे ये फीस लेना स्टार्ट होंगे। तो फीस लेना उसका ये सीन होगा कि आपने 6 माह की इंस्टॉलमेंट होगी, 6 माह की एक इंस्टॉलमेंट होगी, फिर 6 माह की अगली इंस्टॉलमेंट होगी। तो इस तरह करते करते आपने इनकी फीस वापस देनी है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, ठीक है, और ये नीड बेस ही है। तो ये टोटल 20 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके लिए भी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन हासिल करना है तो वो आपने एडमिशन अप्लाई करते वक्त ही अप्लाई करना है। तो ये भी आप, लेकिन ये जो एहसान ट्रस्ट कर्ज हसना है ये आपको दिया जाएगा एडमिशन लेने के बाद, लेकिन जो लोन है उसकी कैटेगरी आगे आएगी, वो आपने एडमिशन के वक्त ही अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है लकी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से,
ठीक है। तो ये इसके लिए भी आपका केपीके का डोमिसाइल होना जरूरी है और ये आपको नीट का मेरिट बेसिस की बुनियाद पर मिलेगी। नीट का मेरिट बेसिस का मतलब भी यही है यार कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 50,000 से कम होनी चाहिए और आपके पास इन इन इलाकों का डोमिसाइल होगा तो फिर ये आपको मिल जाएगी, लेकिन ये भी आपको ऑन कैंपस में जाने के बाद ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास HBL प्लेटिनम स्कॉलरशिप, तो ये भी नीट का मेरिट बेसिस ही है। ठीक है, इसका भी क्राइटेरिया वही है कि आपके पास 50,000 से कम फैमिली इनकम हो और ये एक बंदे को दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के बारे में। ये बड़ी मशहूर स्कॉलरशिप है, इसको हम पीफ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए 7,20,000 सालाना ईयरली से कम होनी चाहिए, जो कि मंथली बनती है 60,000, उससे कम इनकम होनी चाहिए, तो ये 10 बच्चों को दी जाएगी। तो यार अगर हाँ, इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए भी आपने जब एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो साथ ही आपने इसके दायरे में टिक करना है, आपने इसका फॉर्म भी फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं सिंध एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसके लिए आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना जरूरी है, तो ये 5 बंदों को दी जाएगी। ठीक है, और ये भी आपको एडमिशन लेने के बाद मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है फाइनेंशियल असिस्टेंस इंटरेस्ट फ्री लोन बाय GIK इंस्टीट्यूट, नीट का मेरिट बेसिस 35 स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो यार ये नीट का मेरिट बेसिस का मतलब वही है कि आगे 50,000 से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम, और लेकिन इसमें ये होता है कि यार अगर आप ड्यूरिंग स्टडी आपके पास कोई घर में खुदा ना खास्ता कोई मसला मसायर हो गया, ठीक है, आप फीस पे नहीं कर सकते तो आपको फिर भी फाइनेंशियल लोन दे देते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करना है आपने जब आपने फॉर्म फिल करना है एडमिशन का, तो इसका फॉर्म अलहदा होता है तो आपने वो भी फिल करना है और इसकी फीस भी होती है। तो 55,000 55,000 है टेस्ट की फीस अगर, तो 500 इसमें ऐड हो जाएगी तो टोटल 6,000 आपकी फीस हो जाएगी अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करना है। तो यह और ये आपने अप्लाई करते वक्त ही, यानी जब आपने एडमिशन लेना है तो आपने तभी अप्लाई करना है, इसका फॉर्म अलहदा से होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो फिर आपको ये नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आपने लोन लेना है, ठीक है, लोन का क्राइटेरिया वही है कि आपको डिग्री फ्री कर देंगे एक साल बाद, यानी डिग्री के एक साल बाद 6 माह की पेमेंट में आपने इनको वापस करनी होगी, तो वो इजीली हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपने ड्यूरिंग स्टडी आपने इनको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एंडोमेंट फंड के एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पास KPK का डोमिसाइल होना जरूरी है, लेकिन इसकी फैमिली इनकम आपके पास होती है 12,00,000 एनुअली पर मंथ से, जो कि आपके पास अगर आपकी फैमिली इनकम 1,00,000 पर मंथ से कम है तो फिर आपको ये मिल सकती है। ठीक है, और ये 2 बंदों को देंगे। ठीक है, उसके अलावा स्क्वीक्स फाउंडेशन है, तो ये इसके लिए आपके पास फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम KPK, तो फीमेल स्टूडेंट होना इसके लिए ज़रूरी है और आपको ये एक स्टूडेंट को मिलेगी, लेकिन ये अभी आपको एडमिशन लेने के बाद ही मिलेगी। तो यार ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में बात की GIK में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और आप उसमें किस तरह ले सकते हैं। इसके इस वीडियो के अलावा भी अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो यार ये इनके नंबर हैं। ठीक है, आपने एक्सटेंशन डायल करनी है, उनको कहना है कि भाई हमें एडमिशन सेल के एक्सटेंशन मिला दो, या ये एक्सटेंशन उस बंदे को कह देना डायल कर दो। ठीक है, तो GIK का एडमिशन सेल बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैंने खुद वहाँ से ग्रेजुएशन की है, तो यार वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है, आप कोई भी क्वेश्चन है, आप वर्किंग आवर्स में यानी 9 to 5 आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई वैल्यूएबल लगी है, तो आपने सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ताकि मैं भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है यार GIK के बारे में, क्योंकि मुझे तो सारी GIK की चीज़ें पता हैं, तो यार आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।